खबर चाहे राजनीति की हो, सामाजिक हो या हो घटना दुर्घटना की, बात चाहे भ्रष्टाचार की हो, जनता से जुड़े मुद्दों की हो या हो कानून व्यवस्था की, अब बातें होंगी आपके शहर की। मैं हूं महक और आप देख रहे हैं मन्नत समाचार। मुजफ्फरनगर के थाना कोतवाली क्षेत्र के केदवई नगर की एक महिला खा रही है दर बदर की ठोकरें। डिस्ट्रिक्ट ब्यूरो चीफ अफान अख्तर के साथ अंकित गर्ग, जिला रिपोर्टर, जिसका नाम इकरा पुत्री हमीद खान, निवासी केदवई नगर की शादी दिनांक 6 फरवरी सन 2017 को मुशर्रफ खान पुत्र मुकर्रम खान मरहूम थाना कोतवाली खालापार बबली का बरफ खाना नजमा डॉक्टर नी वाली गली के साथ हुई थी। शादी के कुछ दिनों बाद ही प्रांतियों को नंदोई शारिक उर्फ दिलावर पुत्र साबिर व तमन्ना उर्फ चाऊ वाइफ ऑफ शारिक दहेज की मांग को लेकर परेशान करने लगे थे। कुछ दिनों बाद नंदोई शारिक उर्फ दिलावर पुत्र साबिर व शाहरुख पुत्र अजीम ने मौका देखते ही कमरे का दरवाजा तोड़कर इकरा के साथ बलात्कार किया, जिसकी सूचना इकरा ने अपने पति मुशर्रफ खान को दी। मुशर्रफ खान ने कहा कि अगर तूने जबान खोली तो तुझे तलाक दे दूंगा। कुछ देर बाद इकरा ने मौका पाकर अपने माँ बाप को फोन किया। तुरंत ही इकरा के माँ बाप इकरा को लेने ससुराल पहुँचे तो इकरा के नंदोई व पति मुशर्रफ शाहरुख जी धोता मौके से फरार हो गए। इकरा को लेकर उसके माँ बाप अपने घर आए। आने के बाद घटना की सूचना खालेबाड़ चौकी इंचार्ज को दी। चौकी इंचार्ज ने कोई कार्रवाई नहीं की। उसके बाद इकरा महिला थाने में प्रार्थना पत्र देकर लगाई इंसाफ की गुहार। कहाँ की निवासी हैं? नगर पुलिस चौकी। क्या मामला है? जी मामला ये है, मेरी शादी को एक साल बाद मेरी ननंद और नंदोई दोनों परेशान करने लगे दहेज की मांग को लेकर। और नंदोई की मेरे ऊपर गलत निगाह थी, उन्होंने एक दफे मेरे साथ जबरदस्ती बलात्कार किया, तो इस वजह से मैं अपना घर पर बैठ गई थी। मैं 2 महीना घर पर रही, फिर मेरे ससुर आए, वो मुझे समझा बुझा कर ले गया। और जब वो अब मेरे ससुर का इंतकाल हो गया, उसके बाद नना नंदोई दोनों आए, दोनों ने मेरे साथ पहले मारपिटाई की और फिर मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करी। इस बात की सूचना मैं अपने बहन को दूती तो मुझे तलाक देने की धमकी दिया करते थे, और ननंद को दूती तो कहा करती कि तू घर की इज्जत उछाल ली और मेरे पति पर इल्ज़ाम लगा रही। उन्होंने मेरी कोई नहीं सुनी। इसकी इस सूचना को आपने पुलिस को सूचना दी इस घटना की? जी पिछली बार तो पुलिस को दी नहीं थी। और ये 6 तारीख को जब मेरे साथ 2 तारीख को 6 महीने को जब मेरे साथ ये हुआ रात को 11 बजे, उन्होंने दोनों ने मेरे कमरे की कुंडी तोड़ी, शाहरुख और शारिक ने कमरे की कुंडी तोड़कर जबरदस्ती कमरे में घुस गए और मेरे साथ बलात्कार किया। आपके हस्बैंड कहाँ गए अभी? हस्बैंड बाहर गए हुए थे। और जब उन्होंने मेरे साथ बलात्कार किया और जब मैंने अपने चाचा को और भाई को फ़ोन किया, वो दोनों मुझे लेने के लिए आए तो दोनों फरार हो चुके थे। मैंने अपने हस्बैंड को बोला तो उन्होंने मेरे साथ मार पिटाई करी और ये कहा कि तू घर की इज्जत को छा गई, और मेरे चाचा मेरा भाई मुझे लेकर आ गए थे। तो अब आप क्या चाहती हैं? अब मैं उनके खिलाफ मुकदमा लिखवाना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने मेरे साथ ये दूसरी बार की घर पर। जी एक बेटी है। आपकी शादी कहाँ हुई? शादी वहाँ बबली के बर्फ खाने पर नजमा डॉक्टरने वाली गली में हुई। शारिक दिलावर और शाहरुख ननंद है जो इस बात पर मारपीट करती थी मेरे साथ और बदतमीजी करती थी, कहा करती थी कि मेरे पति पर इल्ज़ाम